नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर। फैसला पर डीआरडीओ सितंबर 09 ए एंड ए का रिजल्ट कब तक आ सकता है, साथ ही साथ आप लोगों का कट ऑफ कितना रहेगा। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि ए एंड ए का यहां पर कट ऑफ कितना रहेगा, इसके बारे में हम यहां पर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। लेकिन सबसे पहले आप लोग यहां पर एक चीज़ मैं बता दूं कि टेक्नीशियन ए की हमने अभी दो दिन पहले कट ऑफ दी थी। जी हाँ, टेक्नीशियन ए की हमने दो दिन पहले कट ऑफ दी थी और कल ही रिजल्ट आया है। और कट ऑफ जो हमने आप लोगों को दी थी वो एकदम सेम आपकी गई है। जी हाँ, टेक्नीशियन ए की कट ऑफ एकदम सेम गई है। हो सकता है किसी में एक या दो नंबर ऊपर नीचे हुआ हो, अदरवाइज आपकी कट ऑफ जो हमने वीडियो में बताई थी एकदम सेम गई थी। तो इसीलिए हम आप लोग यहाँ पर ए एंड ए की भी कट ऑफ बता रहे हैं एकदम सटीक जानकारी के साथ में। यहाँ पर हम स्टार्ट करें, उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूआर यानी अर्न रिजर्व्ड कैटेगरी की। तो यूआर की हम अगर कट ऑफ की बात करें ए एंड ए की, तो ये जाएगी 96 से 100 इन 10। ठीक है, 100 इन 10, 96 टू 100 इन 10 के बीच में आप लोगों की कट ऑफ जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की 80 से 95, बिल्कुल ओबीसी की 80 से 95 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो ये रहेगी 80 से 90 तक। ठीक है, तो ये हो गई ईडब्ल्यूएस की बात। अब देखिए, आप में से अभी लोग कुछ कहने लगेंगे कि भाई आप ऐसे कैसे बता सकते हो कि आपकी जो कट ऑफ है एकदम दावे के साथ कैसे बता सकते हो। तो दावे के साथ मेरे भाई इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि मैंने जो टेक्नीशियन ए की आप लोग पिछली वीडियो में कट ऑफ बताई थी, वो रिजल्ट जब आया है कल, तो एकदम सेम आपकी कट ऑफ गई है, उतनी ही गई है। हो सकता है एक दो नंबर ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन एकदम उतनी ही गई है। ठीक है, तो आप इससे आप यहाँ पर भरोसा कर सकते हो जो मैं आप लोग यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ। आगे अब हम यहाँ पर अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की आप यहाँ पर 60 से 72, ठीक है, 72 के बीच में एससी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 60 से 70, जी हाँ, 60 से 70 के बीच में एसटी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि अगर आप लोग डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डीआरडीओ एमटीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने बेस्ट बुक्स का सजेशन के लिए एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर उन्हें परचेज करिएगा और अपनी तैयारी ज़रूर अच्छे से उनसे कीजिएगा। उनकी लिंक जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब यहाँ पर अंतिम सवाल हम लेते हैं, आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, रिजल्ट अगर आने की बात करें तो आप लोगों का नेक्स्ट वीक, जी हाँ, यानी 10 जनवरी तक आप लोगों का जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कैसे कह सकते हैं हम कि 10 जनवरी तक आ जाएगा। तो देखिए, जो आप लोगों का टेक्नीशियन ए का जो यहाँ पर टायर टू है, ठीक है, टायर टू जो स्टार्ट हो रहा है उनका 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 20 जैन से इनका टायर टू स्टार्ट हो रहा है टेक्नीशियन ए वालों का। उससे पहले हमारा रिजल्ट पक्का ही आ जाएगा, यानी 10 जनवरी तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी पूरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।